नालंदा के परबलपुर में फिर भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लेकर एक युवक को बच्चा चोरी के शक में पीट डाला। घटना परबलपुर थाना इलाके की है, जहां हिलसा का रहने वाला पिंटू कुमार गुमटी पर खैनी खरीदने गया था। इसी दौरान गुमटी में रखा कुछ सामान गिर गया। लोगों को लगा कि युवक बच्चे को चोरी करके ले जा रहा है। ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और पकड़ कर धुनाई कर डाली कि क्या बच्चा चोर। हम जाके पता लगाते, जब हम थाना गए तो उस बच्चा से, उसका माँ से, उसका पिताजी से सब चीज पूछे तो वो बोला कि सर जो हमारा 5-10 रुपया खैनी मांगने आए तो हम देवे लगे, तो 500 के नोट दिया था, खुदरा नहीं था। उतने देर में हमारा कोई सामान ऊपर से गिरा तो हम डर के गुमटी छोड़ के भागे। उसी में भागे हमको देखा तो बोला कि बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर, सब आओ, अगल बगल वाला उसको मारने लगा। उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं। जब गमछा प्राप्त हुआ उस थाना में तो हम भी सुन के आओ, 10 आदमी सुन के देखे तो ऐसा कोई घटना नहीं था उस गमछा में। अफवाह के कारण नहीं, अफवाह के कारण इतना इस तरह का हुआ। दो चार आदमी, कितना लोग को पिटाया है? लगभग 4 आदमी का पीट दिया है। अच्छा, और भीड़ वगैरह भी? कुर्सी बेच बिक्रेता है, बाहर से आए हुए हैं, कुर्सी बेचता है। क्या हुआ था बुआ तुम्हारे साथ, कैसे क्या हुआ बताओ? हाँ जी, कैसे क्या हुआ? सर हम जा रहे थे अपने आगे, तो आगे रोड में ट्रैफिक लगा हुआ था, भीड़ था। हाँ जी, निकलने का रास्ता नहीं था तो हमने गाड़ी रोका था, हमने देखा क्या हुआ, तो देखा तो था हमारे ऊपर। क्या करते हैं आप, कहाँ जा रहे थे? हम चेयर का काम करते हैं, चेयर सेल करते हैं। अच्छा अच्छा, चेयर का काम। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। खैनी के दुकान पर एक बच्चा बेच रहा था खैनी, उस पर एक आदमी गया खैनी लेने के लिए, 500 रुपये का नोट दिया और इसी बीच बच्चे और उस आदमी में बहस हो गई। बहस हो गई तो लोगों ने समझा कि ये बच्चा चोरी का अफवाह फैला दिया कुछ लोगों ने, और उस आदमी को लगा पीटने। थाना प्रभारी गए, बचा करके ले आए। बगल से 2 आदमी और जा रहे थे, भीड़ वालों ने बता दिया कि इसी के साथ है, तो उसके साथ भी लोगों ने लपड़ थप्पड़ किया। थाना प्रभारी तत्काल जा करके सबको बचाए। अब उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसने अफवाह का मामला, बिल्कुल बिल्कुल अफवाह का मामला है, कहीं से कोई बच्चा चोरी, किसी की बच्चा चोरी, किसी का बच्चा चोरी नहीं हुआ। सिर्फ पब्लिक अफवाह में लोग जुट जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो बिल्कुल अवैध है, कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। जहां बिहार पुलिस लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट।